नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। पूरे देश में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, वहीं राज्यों की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। यहां तक कि गली मोहल्लों में भी हालात ऐसे ही हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे भी नहीं चल पाए। ऐसे में लेबर और प्रवासी मजदूर अपने घर को जाने को उतारू हैं। वे किसी भी हालत में अपने प्रदेश पहुँचना चाहते हैं। हजारों लाखों मजदूर जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह फंसे पड़े हैं। हालांकि सरकार ने एक पहल की है कि ट्रेन के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए किसी भी तरह से उनको घर तक पहुंचाया जाए, मगर हम आपको कुछ ऐसे वायरल वीडियो दिखा रहे हैं जो सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ही नहीं उड़ा रहे, बल्कि और सरकार और प्रशासन की खिल्ली उड़ाती भी नजर आएगी। क्योंकि इतने चाक चौबंद और अनेक तरह के प्रबंध होने के बावजूद भी ये प्रवासी मजदूरों का टोला दुखी होकर अपने प्रदेशों को जाने को आतुर है। कई मजदूर और प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों से अपने प्रदेश वापस जाने के लिए पैदल ही चल पड़े। इनमें भारी संख्या में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं हैं। पिछले दिनों कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिनके पैरों में छाले तक पड़ गए। कई ऐसी गर्भवती महिलाएँ भी थीं जो अनेक विपदाओं के आने के बावजूद भी हर तकलीफ को सहन कर अपने प्रदेश जाना चाहती हैं। एक महिला ने तो अपने बच्चे को सड़क पर ही जन्म दे दिया। इस तरह की वीडियो देखकर आंखें भर आती हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। लोगों के पास काम नहीं है, सभी रोजगार ठप हो चुके हैं। सरकार और प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं। बीमारी इतनी भयानक है कि इसमें लापरवाही जान ले सकती है, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग होना अनिवार्य है। लेकिन ये वायरल वीडियो कुछ और ही बता रहे हैं। हजारों लाखों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। इनका बस एक ही लक्ष्य है, घर पहुंचना। वो चाहे धक्का मुक्की करके आगे आना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग रहे या न रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भूखे और प्यासे ये लोग कड़कड़ाती गर्मी में, झुलसा देने वाली गर्मी, तपते तवे की तरह सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। ना चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और ना ही किसी का ख्याल कि कोई उन्हें रोकेगा या नहीं। इनमें हजारों मजदूरों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर कोरोना होता क्या है। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये ऐतिहासिक बंटवारे जैसे दिन आ गए हैं, जब हजारों लाखों लोग पैदल ही चल रहे थे। वो दौर था जब अनजान घरों की तरफ जाना था, लेकिन आज का ये दौर है कि जानते हुए भी नहीं जा सकते। इन प्रवासी मजदूरों की बहुत सारी पीड़ाएँ हैं। ऐसे धक्का मुक्की और अफरा तफरी के माहौल में कई मजदूरों की जान भी चली गई। बताया जा रहा है कि 50 से अधिक प्रवासी मजदूर इसमें मौत का ग्रास बन गए। दोस्तों, हम भी आपसे अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का होना अति आवश्यक है। आप सभी इसका ख्याल रखें। अगर हम नियमों की पालना करते हैं तो कोई भी लड़ाई हम जीत सकते हैं, फिर चाहे वो कोरोना हो या फिर देश की लड़ाई। ये भी अपने देश से बढ़कर कोई जंग नहीं, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। बस आपने अपना और देशवासियों का ख्याल रखना है। इसमें अपनों और दूसरों से भी दूरी बना के रखनी है, और उन सभी के भले के लिए ये बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास वायरल वीडियो। अगर 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर इधर सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है, कोई पानी भी नहीं पिला रहा है, और ये यूपी में हो रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने खाना खिलाए, महाराष्ट्र के अंदर जो सेवा करे ये लोगों की, वो किसी ने नहीं किया। ये यूपी के अंदर इनको पानी नहीं पिला रहे, गांव के गांव खाली करके भाग गए लोग। बताओ, बराबर है, जो हकीकत है हकीकत है कि नहीं, बोलो सही। यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। जब महाराष्ट्र के अंदर अच्छा से अच्छा यहाँ सुविधा था, पानी का सुविधा, खाने का सुविधा, हर चीज सुविधा, यहाँ साला आए तो अभी पूरा जाम ही जाम है। गाँव वाले छोड़ भाग ही गए। खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा बच्चा है आपका, छोटा छोटा बच्चा है, सब भूखा मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं। हाँ, देखिए मध्य प्रदेश जाने वाले यात्री की, आप तो पैदल यात्री आए। हाँ भाई, आपका मुखिया कौन है जी? आपका मुखिया कौन है? मुखिया कहाँ, आप कहाँ से चले गए थे? कहाँ से चले थे? यमुनानगर से पैदल। तो अब तो ट्रेन में शुरू होगी, ट्रेन में क्यों नहीं गए आप? ट्रेन में जी टिकट बनवाई, वो कुल से बनवाई, बनी नहीं? और
और तुम्हारे साथ तो बच्चे भी हैं छोटे छोटे। हाँ जी हाँ जी। देख खाना कहाँ खाते हो? कहीं नहीं, मिल गया था, मिल गया, किसी ने दे दिया था। ओहो, अच्छा। अब यहाँ पर आप बदरपुर में ठहरे हो? ये बस स्टैंड बदरपुर। अब रात को कहाँ पर रुकना है आपने? हाँ जी, तो सरकार से क्या उम्मीद है आपने? कुछ नहीं मिला, बाकी था खाली थालियां पिटी आप लोगों ने, बहुत मोमबत्तियां जलाई। फिर अब मोमबत्तियां जलाई, आपने मोदी से कहो कुछ देगा? मोदी क्या देगा जी? कौन देगा? हमारे परदेशी आदमी का हमको थोड़ी देर दे रहा है, गांव वाला। कोई नहीं दे रहा आपको? नहीं, कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, डेढ़ महीना होगा जी। दो महीने से हो खाली बैठे हो? बैठे खाली। अच्छा, और तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं? किस कंपनी में काम कर रहे हो? कहाँ काम कर रहे थे आप? 15 सेक्टर। 15 सेक्टर में? फिर काम तो खेतों में कर लेते। फैक्ट्री का क्या नाम है? और दोबारा भी आओगे वापिस? दोबारा वापिस आओगे? दोबारा सोच रहे हैं तुमने वापिस आने का? दोबारा नहीं आओगे? अच्छा चलो, और तुम्हारे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं? अब देखो उनके साथ गर्भवती महिलाएं भी हैं। फिर तुम खाना खुना बना लो भाई, यहाँ पे अनाज तो मैं दे दूंगा, आटा दे दूंगा। चलेंगे अभी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद कहीं। नहीं, कहाँ चलोगे रात को? अब तुम यही सो आराम से, यहाँ बैठक में पड़ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। नहीं, अब तो कुछ यहाँ काम मिल जाएगा ना, अब तो वापिस जाके क्या करोगे तुम? दो कितने नहीं, इतने तुम इतने दूर जाओगे, या तो कोई ट्रेन ना, जिसकी क्या मजबूरी हो जाए। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। फिर खाना यहीं बना लो ना, तुम्हें आटा दे देंगे, सब्जी दे देंगे, बना लो यहीं पे।